हाइपोथायराइड एक बहुत ही कॉमन और एक प्रिविलेंट हेल्थ प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म जब होता है जब हमारा गले में प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड क्रूशल हार्मोन्स इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करता। इनिशियली तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको थायराइड प्रॉब्लम है। इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ें, वेलकम टू दिस वीडियो। हेलो माय हैप्पी सोल्स, मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स हैं और हर कोई अलग अलग तरीके के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है, जैसे फटीग, डिप्रेशन, मसल वीकनेस, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो हार्ट रेट, पफी स्किन, इम्पेयर्ड मेमोरी, गोइटर, हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेट गेन, होर्सनेस। हाइपोथायराइड इन्फेंट्स और टीनेज में भी पाया जाता है। चाहे जो भी सिम्टम्स हो, सुजोग थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। तो चलिए आइए विदाउट एनी फर्दर डिले ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। पेशेंट के हाथ में इंडेक्स फिंगर के अंदर हम एक रेड लाइन बनाएंगे, नीचे से ऊपर टुवर्ड्स मिडल फिंगर, नीचे से ऊपर। ये डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हमें रेड लाइन बनानी है, नीचे से ऊपर। अंगूठे के इन दोनों जॉइंट के बीच में यहाँ पर हमें एक रेड सर्कल बनाना है। अंदर से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रेड सर्कल बनाएंगे। हाथ के अंगूठे के बेस जॉइंट पर हमारा थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। इस बेस जॉइंट की अच्छे से मसाज करेंगे। आफ्टर गुड मसाज ये ब्लैक पेपर सीड्स मैंने पेपर टेप पर लिए हैं, इन्हें इस पॉइंट पर फिक्स करेंगे। और टाइम टू टाइम पेशेंट को इसे प्रेस करने के लिए बोलेंगे। सभी फिंगर्स में हमारी उंगलियों की फर्स्ट नेचुरल लाइन के सेंटर में थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है। इस पॉइंट की हम मसाज करेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट किस फिंगर में आ रहा है। यहाँ पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन है, इसको और अच्छी तरीके से रुककर मसाज करेंगे। ये एक ब्लैक पेपर सीड मैंने टेप पर फिक्स करा है, इसे इस पॉइंट पर फिक्स करेंगे। टाइम टू टाइम इस सीट को भी प्रेस करना है। एक पॉइंट हम और लेंगे, इस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। यहां भी पेशेंट को पेन है तो इसको रुककर मसाज करेंगे। फिर से यहां पर एक ब्लैक पेपर सीट फिक्स करेंगे। ये रेड सर्कल और रेड लाइन हमें 4 डेज तक कंटिन्यू करनी है, उसके बाद ब्रेक देना है, फिर से 4 डेज का, उसके बाद फिर 4 डेज कंटिन्यू करनी है। इस तरीके से 1 महीने के अंदर 4 डेज करके और 4 डेज का गैप देना है। ये सीड्स हम डेली लगाएंगे, आप हाथ चेंज करके भी लगा सकते हैं और इन्हें टाइम टू टाइम प्रेस करेंगे। ट्रीटमेंट के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल की भी ज़रूरत है, जैसे वॉकिंग करिए या एक्सरसाइज करिए या योगा करिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, साथ में एक अच्छी और बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। इस सब के साथ साथ इस ट्रीटमेंट को फॉलो करिए और फिर देखिए रिजल्ट्स। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sujog_therapist_preeti। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में।